गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वैसे तो घर आया हूँ, आज हम लोग का यहाँ पर इलेक्शन था जिसके कारण तो घर आया हूँ। तो अभी घर से जा रहा हूँ थोड़ा दूर, ये थोड़ा सामने एक आउटस्कर्ट एरिया है जहाँ पर कि एक छोटा सा नदी है। हम लोग का यहाँ पर सब लड़का लोग वहीं पर जाते हैं, तो मैं जा रहा हूँ आज भाई के साथ में। तो थोड़ा अपना गाँव का वाइब्स आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जो भी हो। लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है कि देख सकते हैं पसीना इतना निकल रहा है। तो देखते हैं आगे कैसा है, क्योंकि सुने कि अभी हाल ही में वो जगह थोड़ा बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर में पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा थोड़ा बंद करके रखा हुआ है। फिर भी जाके देखते हैं, अगर परमिशन मिल जाता है थोड़ा वहाँ का आपको व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो गाइस अभी फुल ऑन ऑफ रोडिंग है, रोड पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा गाँव का रास्ता मिलेगा, मेरी सच्ची गार्डन एरिया है जिससे आप लोग जानते हैं मेरा घर टी गार्डन एरिया में पड़ता है। तो ये पूरा टी गार्डन है, चाय का बगान। इतना गर्मी है, अरे इतना नदी का रास्ता, लेकिन जब छोटे छोटे थे हम लोग यही रास्ता हम लोग पैदल या साइकिल में जाते थे। अभी बाइक में जाने में इतना गर्मी लग रहा है, पर साइकिल में जाते थे हम लोग जाते थे। फुले उड़ाई देता अंदर, यहाँ का तो फुले उड़ाई देता। तो ये गाँव को बोलते हैं राधा बस्ती, तो क्रॉस करके आगे मिलता है। तो गाइस जगह है ये, तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में। काफी अच्छा जगह है ये, फुल ऑफ रोडिंग। देख सकते हैं आप, ये है अपना देख सकते हैं अपार्टमेंट का लोग यहाँ पर। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Moments later. So guys, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये मेरा भाई प्रणय है, इसका नाम भाई है। सो भाई तला कस्तो लाग्यो भन आज? ठीक मजा आयो, मजा आयो। तर फर्स्ट हिल चाहिँ रडी गर्दै क्या, त्यो भिडियो बनाउनु पाएन हो, त्यही भएर। सो गाइस ये मेरा भाई जो अभी इसने बात किया वो अपना मदर टंग है, मैं भी नेपाली हूँ। सो ये नेपाली लैंग्वेज है, सो भले आपको किसी किसी को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन
देखते एक्चुअली जो भी हो भाई बोल रहे कि फॉरेस्ट्री जो आपने देखा थोड़ा आगे वीडियो में जो देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो हम लोग को वहाँ पर रहने के लिए नहीं दिया, वो परमिशन मतलब अलाउड नहीं किया, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। तो जो भी हो अपना भाई है, ये काफ़ी अच्छा ये भी करता है, डांस करता है, ये फुटबॉल खेलता है, काफ़ी अच्छा करता है। तो देखते रहिएगा, जब भी गांव आता हूँ मैं इसके साथ में घूमता हूँ, तो यही मेरा रहता है गांव में। तो आज इसके साथ ही आया था, थोड़ा आउटिंग में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे सोच के आया था इसके साथ में। तो चलिए देखते हैं आगे, अभी यहाँ से तो लौट रहे, घर जाके देखते क्या होता है। और जैसे भी गाँव में तो अभी पूरा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो पुलिस वगैरह बहुत सारा वहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ा वीडियोग्राफी का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, क्योंकि जो पुलिस बैठा है वहाँ पर वो लोग वीडियोग्राफी के लिए थोड़ा अलाउड नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर मिल गया तो अपना गांव का शॉट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ से निकल रहे हम लोग। तो हम दोनों ही हैं आज, तो जो भी हो दिन अच्छा गया, बोट अच्छे से लगा गया। ये देखिए, ये एक्चुअली है राइट टू बोट्स, ये जो हम लोग इंडियन सिटीजन है ये हम लोग का राइट्स है, तो हम लोगों ने लगा लिया। तो जो भी हो वोट दीजिए, अच्छे से अपना सरकार बनाइए, जो भी हो अपना गांव अपना शहर को जो देखता हो उनको वोट कीजिए, अच्छे से वोट कीजिए, जो अपना फ्यूचर को अच्छे से देखता हो अपना उन लोगों के लिए वोट कीजिए आप लोग। ये नहीं कि कोई अपना रिलेशन में है, कोई अपना रिश्तेदारी में है, देख के वोट मत दीजिएगा, वोट दीजिए पूरा देश को सोच के, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपका एक वोट की वजह से पूरा सरकार का मतलब जो भी है ये चीज़ पूरा सरकार बनता है आपका एक वोट की वजह से। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए कि वोट कीजिएगा। सो गाइज, मेरा एक इस साल का एक मोटो है, वोट फॉर चेंज। तो हम लोगों ने जो वोट किया, जो हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया अपना वोट, तो हम लोगों ने अपना वोट किया जो अपना गांव का चेंजेस के लिए, अपना गांव का डेवलपमेंट के लिए देख के हम लोगों ने वोट किया है, तो आप लोग भी वही कीजिए। तो गाइज अभी जाते घर की ओर, तो देखिए आगे रास्ते में और कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ये रास्ता बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये जो पीछे में दिख रहे हैं आपको, जो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा, तो यहाँ से कभी भी हाथी निकल सकता है, कभी निकल सकता है टाइगर, मतलब बहुत चीज़ जानवर अंदर में है जो कि रास्ते में मिल सकता है हम लोगों को। तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है एक्साइटिंग चीज़ और। तो गाइज बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए वीडियो, तब तक आप लोग एक लाइक मार दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आगे रास्ते में।